नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रीवा में अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम रद्द, रीवा प्रशासन ने निरस्त कर दी अनुमति। रीवा शहर में 30 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है आईटी पार्क, सर्व सुविधा युक्त बनाई जाएगी 6 मंजिला इमारत। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट आज खुल सकते हैं, भोपाल इंदौर समेत 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। BSNL के अकाउंट ऑफिसर को बस ने कुचला, स्कूटी में कट मारा, आप पदाधिकारी की पत्नी गिरी, बस सिर के ऊपर से गुजरी। शिव महापुराण सुनने रोज पहुंचेंगे 5 लाख श्रद्धालु, 6 लाख रुद्राक्षों का होगा वितरण, पहली बार राजगढ़ में कथा सुनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। MK के बड़वानी में लव जिहाद का मामला, हिंदू लड़की से निकाह कर रहा था मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने रुकवाया प्रदर्शन के बाद मुकदमा दर्ज। अयोध्या में स्थापित होगा ओंकारेश्वर का 600 किलोग्राम वजनी नर्मदेश्वर शिवलिंग, प्रतिष्ठा यात्रा के रूप में राम जन्मभूमि के लिए किया रवाना, 5 दिन में पहुंचेगा। MP में मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और टीचर लड़ेंगे चुनाव, BJP प्रत्याशियों की कहानियां, कोई पहली बार चुनाव लड़ेगा तो किसी को विरासत में मिली राजनीति। इंदौर में जीजा साले के मर्डर की सनसाइड स्टोरी, बेटे को आर्मी ने कर दिया था रिजेक्ट, तब से डिप्रेशन में भी था आरोपी गार्ड। MP CM शिवराज सिंह ने किया नड्डा के ससुर की प्रतिक्रिया का अनावरण, मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऐसे महान नेता की मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला। शिवपुरी में गाली देने से मना करना, दुकानदार को पड़ा भारी, 3 भाइयों और एक भांजे ने दुकान पर किया पथराव, कर दी मारपीट। रीवा के भाजपा नेता ने फोड़ा लेटर बम, BJP के 50% कमीशन के आरोप का दिया जवाब, कहा 15 महीने के कार्यकाल में की 10,000 करोड़ की अवैध कमाई। सिवनी में पुरानी रंजिश के चलते हुआ हमला, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में नागपुर रेफर, जांच में जुटी पुलिस। सतना में रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला, बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने घर के सामने बुजुर्गों को मारी गोली। ग्वालियर में 5 दिन रहेंगे सिविल एविएशन सेंटर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री अमित शाह के साथ MP कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।